पाहूया बातम्या विस्तारानं. आपल्या राजकीय सोयीसाठी कॅबिनेट दर्जाची संसदीय सचिव पदं निर्माण करून राज्याच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा टाकणाऱ्या गोवा सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयानं चपराक लगावली आहे. संसदीय सचिव म्हणून नेमणुका रद्द कराव्यात असा निवाडा न्यायमूर्तींनी आज पणजी इथं दिलाय. संसदीय सचिव निळकंठ हळणकर, फ्रान्सिस सिल्व्हेरा तसंच आग्नेल फर्नांडिस या तिघा आमदारांसह नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा, अनिवासी भारतीय आयुक्त एडुआर्ड फालेरो यांना कॅबिनेट दर्जा देण्याच्या गोवा सरकारच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या ऍडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्स यांच्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार आणि न्यायमूर्ती नेल्सन ब्रिटो यांनी आज ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. सरकारनं निर्माण केलेली तिन्ही संसदीय सचिव पदं असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर असल्याचं कारण देत ती रद्द करावीत असा निवाडा त्यांनी दिलाय. मात्र हा निर्णय 4 आठवड्यांकरिता स्थगित ठेवण्यात आलाय. जो जून 2007 दिगंबर कामत सरकार ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए दो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट किया था, इसके खिलाफ मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था. ये दोनों अपॉइंटमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल के हम ये पीआईएल फाइल किया था. पीआईएल का आज जजमेंट हो गया और चीफ जस्टिस स्वतंत्र कुमार और जस्टिस ब्रिटो ने आज पूरा जजमेंट दे दिया और ये दोनों पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किया था ऐसा जजमेंट में स्पष्ट किया है. और सरकारी एडवोकेट ने 6 वीक्स का स्टे मांगा था लेकिन हाईकोर्ट ने 4 वीक का स्टे सरकार को दिया है. ये पूरा अपॉइंटमेंट्स इलीगल है, वो डिटेल जजमेंट दिया है कि ये पूरा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट पूरा इलीगल है और बिना कुछ कायदा पर ये सरकार ने अपॉइंटमेंट किया था ऐसा जजमेंट में बताया है. अरे इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट करके जो सरकार डायरेक्टली नहीं कर सकता था वो इनडायरेक्टली किया था. हमारा स्टैंड कोर्ट में वही था कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और दो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट किया था और थर्ड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी विक्टोरिया फर्नांडिस जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था वो अभी वो पोस्ट से रिजाइन हुआ लेकिन ये दोनों पोस्ट स्टेट ट्रेजरी पर एक बड़ा बर्डन है और इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. 91st अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने हर एक स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर कितना हो सकता है इसका पूरा लिमिट रखा था इसलिए कि स्टेट एक्सचेकर पर बर्डन नहीं हो. हम अभी खुश है कि ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होके कुछ स्टेट ट्रेजरी को कुछ रिलीफ मिलेगा. नहीं, वो जो और तीन आदमी को ईडीसी का चेयरमैन डेप्यूटी प्लानिंग कमीशन का प्लानिंग कमीशन का डेप्यूटी चेयरमैन और एनआरआई कमिश्नर को जो कैबिनेट स्टेटस दिया है कोर्ट ने ऐसा बोला है कि वो सरकार को अधिकार है लेकिन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट इलीगल बता के उसका अपॉइंटमेंट रद्द हुआ है. या निवाड्याकडे तमाम गोमंतकीयांचं लक्ष लागून राहिलं होतं. युतीचं सरकार टिकवण्याकरता मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतलेला निर्णय घटना भंग करणारा आणि बेकायदेशीर असल्याचा याचिकादार आयरिश रॉड्रिक्स यांचा युक्तिवाद न्यायमूर्तींनी उचलून धरला. सन 2005 साली हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयानंही अशा प्रकारे संसदीय सचिव पदाच्या नियुक्त्या रद्द ठरविल्या होत्या. मात्र गोवा सरकारनं यातून काहीच बोध न घेता जनतेच्या तिजोरीवर प्रचंड भार टाकला होता. या निर्णयाचं विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रिकर यांनी स्वागत केलंय. न्यायमूर्तींनी नियोजन आयोगाचं उपाध्यक्षपद तसंच अनिवासी भारतीयांकरता आयुक्त पदाबाबत सरकारच्या निर्णयास आक्षेप घेतला नाहीये, त्यामुळं ही पदं अबाधित राहणार आहेत.